correction. Rule number 89. Examiner sentence में कुछ गलत phrase देगा, कुछ लफ्ज गलत लिखेगा, उनके correct words हम आपको बता रहे हैं, आपने sentence में वो phrase या words correct कर देने हैं. Examiner history में past papers में लिखता है family man, he is a family man dot ऐसे. हमें पता है family man word मायूब है, कोई नहीं होता. आपने वहां लिखना है man with family, he is a man with family dot ऐसे correct करना है. Family man देगा, आप correct करेंगे man with family. Examiner अगर family members लिखेगा sentence में, आप correct करेंगे members of family. Females लिखे, आपने females हटाकर ladies लिखना है या women लिखना है. Male लिखे, men लिखना है या man लिखना है. All right, मिला कर देगा, लिखेगा. आपने all को अलग कर देना है, right को अलग कर देना है और all के L भी पूरे कर देने हैं. समझ रहे हैं ना, A double L. Examiner ने लिखा to pull on well और आपने correct किया to pull well together. ये गेम है, याद करें. छोटी सिस्टर को पकड़ाएं, उसे कहें कि मैं एक गलती करूंगा या करूंगी, आप मुझे सारा सुने. तो वो आपसे जब सुनेगी, अगर तो आपने की एक गलती तो ठीक है, अगर आपने टू मिस्टेक्स की तो फिर 10 रुपीज उसे दे दीजिए. छोटी सिस्टर को जान नहीं निकल जाएगी आपकी. थैंक्स वेरी मच, एग्जामिनर ऐसा लिखता है, गलत है ये. या होता है थैंक यू वेरी मच, या आप लिखे मैनी थैंक्स, या आप लिखे थैंक्स अ लॉट. और आम जब आप बोलते हैं उस वक्त भी आप अपने आप को करेक्ट रखें, हमेशा कहें थैंक यू वेरी मच. मैं तो कहता हूँ सो नाइस ऑफ यू. मैनी थैंक्स बड़ा अच्छा है, डिफरेंट है और समझ भी आ जाता है. अटैच्ड हेयर विद, अटैच्ड हेयर विद कोई नहीं होता, बस अटैच्ड होता है. हेयर विद को काटा कर देंगे क्रॉस. अटैच्ड विद अगर एग्जामिनर लिखता है तो उसका जवाब होता है अटैच्ड टू. टू और थ्री टाइम्स आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाती है, याद हो जाता है क्या कहा गया है. फेयर सेक्स आपने करेक्ट करना है, वेमेन या वोमेन एक औरत. अ फेल्ड कैंडिडेट, ये काफी दफा आया है. फेल्ड कैंडिडेट नहीं होता, अ रिजेक्टेड कैंडिडेट होता है. कोई जॉब हासिल ना कर सका, रिजेक्ट हो गया, हम कहेंगे अ रिजेक्टेड कैंडिडेट, ये नहीं कहते अ फेल्ड कैंडिडेट. या एक और इससे भी खूबसूरत वर्ड है, अ प्लक्ड कैंडिडेट, वो कैंडिडेट जिसको तोड़कर फेंक दिया गया, प्लक्ड. कीप गुड हेल्थ ऐसा लिखेगा, आप लिखेंगे इंजॉय गुड हेल्थ. योर्स ओबीडिएंटली आपका ताबेदार, योर के बाद एपोस्ट्रॉफी फिर एस है, ऐसा नहीं होता, ये रॉन्ग है. ये योर्स आपका ताबेदारी नहीं, गलत है. Yours obediently, तुम्हारा ताबेदार बनता है, आई थिंक इसका. तो एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता जहां ओबीडियंटली से पहले योर आएगा. आपने एपोस्ट्रॉफी खत्म करनी है जनाब, बस ऊपर का कॉमा, इसे एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं पढ़ी लिखी लैंग्वेज में. आप टीचर बनेंगे ना अगर, तो ये चीजें याद कर लें.
ये चीज़ें जब आप क्लास में बोलेंगे तो बच्चे आपकी तरफ ऐसे देखेंगे जैसे लोग सूरज को देखते हैं टाइम का अंदाज़ा लगाने के लिए, और कहेंगे हमारा टीचर तो बड़ा पढ़ा लिखा है। विचली गल सानू पता है, हमें ये भी पता है कि हम कितने बड़े उस्ताद हैं, हमें ये भी मालूम है। आपको मालूम ना हो भले, आप समझते हो कि एम के भुट्टा पता नहीं कितना बड़ा समंदर है, हमें पता है कि हम कितने बड़े उस्ताद हैं, कितने जोगे हैं। नो प्लेस, नो प्लेस कोई जगह नहीं यहाँ पर, नहीं। नो रूम, नो प्लेस कोई वर्ड नहीं होता, नो रूम होता है। कॉपी, कॉपी ये जो बच्चों की कॉपी होती है, ये कॉपी कोई लफ्ज़ नहीं है। नोटबुक एक्सरसाइज बुक होती है। इस रूम में कोई जगह नहीं है, देयर इज नो प्लेस इन दिस रूम डॉट रॉन्ग है, इसे करेक्ट कीजिए। देयर इज नो प्लेस इन दिस रूम डॉट, इसे आपने करेक्ट करना है, कमेंट करना है। मैं देखता कॉपी कोई वर्ड नहीं, कॉपी को चेंज करेंगे नोटबुक या एक्सरसाइज बुक में। आप पोएट्री कोई वर्ड नहीं, आप पोएट्री नहीं होता, आप पोएम हो सकता है। आ गुड प्ले ऑफ हॉकी, यहां प्ले एज अ गेम, नो, आ गुड गेम ऑफ हॉकी। आ न्यू ड्रेस, आ न्यू ड्रेस नहीं होता जनाब, आ न्यू सूट होता है। खुदा करे कि आप करेक्शन सीख जाएं और मुझे एक न्यू सूट लेकर दें, न्यू सूट। हाँ, हसरते ही रह जाएंगे। सेंटेंस दे रहा हूं, करेक्ट कीजिए। ही वॉज द फ्रीक्वेंट विजिटर ऑफ फीमेल्स डॉट, He was the frequent visitor of females dot, वो औरतों का दिलदादा था, औरतों के पास आया जाया करता था, मुसलसल frequent dot, correct करें।